हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चंस। क्वेश्चन सेज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम एबीसीडी मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म मेटल वायर हैज अ स्ट्रेट कनेक्शन बिटवीन ई एंड एफ मेड अप ऑफ सेम वायर एज शोन इन फिगर। AEFT इज स्क्वायर ऑफ साइड 1 मीटर एंड EBFC 0.5 मीटर। द एंटायर सर्किट इज प्लेस्ड इन अ स्टेडीली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इन टू द प्लेन अब नॉर्मल टू इट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला पर सेकंड। द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर 1 वाट पर मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ करंट इन द सेगमेंट AEBE एंड EF। सो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ली गई है AB एंड CD विच इज मेड अप ऑफ अ मेटालिक वायर। अब इसमें एक स्ट्रेट वायर को कनेक्ट किया गया इन बिटवीन ई एंड ए, सो दैट AEFD ये एक स्क्वायर बन जाए जिसकी लेंथ 1 मीटर की इक्वल हो। साथ साथ बोला जा रहा है कि जो EB और FC है ये 0.5 मीटर के बराबर है। अब इसको एक स्टेडिली इंक्रीजिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि डायरेक्टेड है इनटू द प्लेन उसमें प्लेस कर दिया जाता है। उसके लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें 1 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर 1 वाट पर मीटर। सम मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन ऑफ करंट फाइंड आउट करना है विच आर फ्लोइंग थ्रू आउट दिस AEBE एंड EF। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ दैट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन का यूज करेंगे। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन स्टेट दैट द इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स ऑफ ए होता है, इस वजह से इसको हम माइनस ऑफ ए इन टू में dB/dt इस तरीके से लिखते हैं। And second concept we are going to use the Kirchhoff's voltage law. In a closed loop, summation of voltage is equals to zero. जहाँ पर voltage will be equals to current multiply by resistance. इस तरीके से हम voltage drop लेंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, induce EMF find out कर लेते हैं कि epsilon equals to magnitude लेंगे, सी हो जाएगा dB/dt की equal. So according to question ये square है, a square का एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें 1 के इक्वल दे रखा है। सो इट विल कम्स अबाउट 1 वोल्ट, यानी कि इंड्यूस ईएमएफ 1 वोल्ट के इक्वल आ जाए। सो बेसिकली ये जो इंड्यूस ईएमएफ हमने फाइंड किया है वो स्क्वायर लूप के लिए फाइंड किया है, यानी कि AEFD के लिए। उसी तरीके से यदि हम इंड्यूस ईएमएफ फाइंड आउट करें फॉर अनदर लूप, यानी कि ये जो छोटा वाला इधर वाला ये साइड वाला, सो इसके लिए हो जाएगा एरिया 0.5 मीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dB/dt होगा 1, इट विल कम्स अराउंड 0.5 वोल्ट। सो दिस इज फॉर EBCF loop. So from this formula we can find the EMF induced into the each loop. Now by using the Fleming left hand rule which gives the direction of current to be clockwise direction. So Fleming ke left hand rule ke according, yadi hum thumb ko, fourth finger ko, hum middle finger is tarike se ek dusre ke sath perpendicular rakhe, to jo thumb hota hai wo current ki disha ko batata hai, fourth finger indicate the direction of magnetic field and then third finger will show the direction of force. So यहाँ पर magnetic field जो है so वो into the plane रखी गई है, इस वजह से current यहाँ पर upward direction में यानी कि clockwise direction में दिखाएगा। So by Fleming's rule current की दिशा यहाँ पर हमें पता चल गई in clockwise direction। अब यदि current clockwise direction में है और जैसा कि वायर की रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 1 वाट पर मीटर की इक्वल है, सो इसका यूज करते हुए फ्रॉम द गिवन डेटा द ईएमएफ कैन बी ऑब्टेन। सो चूंकि ये जो भी हमें
इस लूप दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर फ्रेम दिया हुआ है, ये एक यूनिफॉर्म मेटल वायर से बना हुआ है और उस वायर की एक रेजिस्टेंस होगी। सो बेसिकली ये एक तरीके से एक सर्किट की तरह वर्क करने लग जाएगा, जिसमें वायर की जो रेजिस्टेंस है वो एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेगी। सो इसको यदि हम एक सर्किट के जैसा रिप्रेजेंट करें, सो इट विल बी लुक लाइक दिस। अब यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस है पावर सप्लाई, हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं। सो जैसा कि रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 वाट पर मीटर, सो यानी कि हर एक रेजिस्टेंस 1 ओम की होगी। सो ये भी 1 ओम की हो गई, ये 1 ओम की, ये भी 1 ओम की हो गई, और इधर वाले लूप की जो रेजिस्टेंस है वो हमने पोटेंशियल फाइंड किया 0.5। सो 1 वाट पर मीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है रेजिस्टेंस, यानी कि इसके लिए फिर कितनी हो जाएंगी 0.5 ओम, इसके लिए भी 0.5 ओम, और इसके लिए हो जाएंगी 1 ओम। और ये पोटेंशियल तो हमने फाइंड आउट किया, ठीक है ना, ये में 0.5 वोल्ट, और ये वाला कितना आया था 1 वोल्ट की। अब इन पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देते हैं, जैसे हमने वहां पर नेमिंग किया हुआ है, दैट इज ए डी एफ ई बी और सी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट ले लेते हैं। सो यहाँ से जो डायरेक्शन ऑफ करंट हम मान लेते हैं I1 इस जानी पे, सो ये इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। बाकी ये जो मिडल वाली ब्रांच है उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा, और यदि इस डायरेक्ट इसके लिए अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा होगा I2, सो ये जो मिडल वाली ब्रांच है उसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 माइनस का I2 हो जाएगा। सो ये हमने करंट यहाँ पर ड्रॉ कर लिए है, ये हो जाएगा I1, यहाँ से फ्लो होने वाला करंट I2। अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज, विच सेज दैट द समेशन ऑफ वोल्टेज इन साइड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हम ए डी एफ ई ए यानी कि ये वाले लूप जिसको हमने फर्स्ट माना है, और इसको हम मान लेंगे सेकंड लूप। सो फॉर टू फर्स्ट बाय यूजिंग के वी एल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, द समेशन ऑफ वोल्टेज इन साइड अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0। सो देखिए रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। सो करंट क्या है, माइनस का I1, माइनस इसलिए कि हम यदि अपोजिट दिशा में जाएंगे तो यहाँ पर निगेटिव साइन लेंगे, तो देखिए अपोजिट दिशा में जा रहे हैं, और अगर सेम दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, ऐसा हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। सेम होगा माइनस टाइम्स ऑफ I1 टाइम्स ऑफ 1 ओम की रेजिस्टेंस, प्लस में पोटेंशियल कितना है 1 वोल्ट का, देन माइनस में I1 टाइम्स ऑफ 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, माइनस में I1 माइनस I2 टाइम्स ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस, माइनस I1 टाइम्स ऑफ 1, दिस विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पर हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी, I1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस में I2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। इसे हम दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से अब लूप 2 में यदि हम KVL लगाएं, सो हमें इक्वेशन मिल जाएंगी माइनस I2 0.5 प्लस 0.5 माइनस I2 इंटू 1 माइनस I2 इंटू 0.5 प्लस I1 माइनस में I2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। विल गेट एन अनदर इक्वेशन I2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस में I1 टाइम्स ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस 0.5। इसे हम मानेंगे इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना हो, सो उसके लिए देखिए ये इक्वेशन 2 आई है, और इक्वेशन 1 में क्या आया था, 4 I1, ठीक है, 4 I1 माइनस में I2 इज इक्वल टू 1, ये आई थी हमारे पास इक्वेशन 1। सो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, कैसे, हम सिंपली यहाँ पर I1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, सो 3 4 12 हो जाएगा, यानी कि 12 टाइम्स ऑफ I2 माइनस में 4 I1 इज इक्वल टू 4 5 20, यानी कि 2 हो जाएगा। और फिर इन ये वाली इक्वेशन हम लिखेंगे कि माइनस ऑफ I2 प्लस में 4 I1 इज इक्वल टू, ये कितना है 1 के इक्वल, 1। यहाँ से देखिए माइनस 4 I1 प्लस 4 I1
जब हम ऐड करेंगे कट हो जाएगा, 12 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 11 टाइम्स ऑफ आई टू, दिस इज इक्वल टू 2 + 1 3, सो आई टू मिल जाएगा 3/11 की। उसी तरीके से हम करंट आई वन को फाइंड आउट कर सकते हैं, सो आई वन दिस विल बी इक्वल टू 3.5 डिवाइडेड बाय 11, यानी कि 0.32 एम्पियर। तो देखिए आई वन 0.32, आई टू 0.28 एम्पियर। बट हमें तो जो ब्रांचेस है उसमें से फ्लोड वाला करंट पूछा गया था, सो वी वुड से दैट कि करंट थ्रू आई ए ई, सो आई ए ई से फ्लोड वाला जो करंट है वो तो बेसिकली आई वन के बराबर है, और आई वन इज 0.32 एम्पियर। उसी तरीके से करंट फ्लोइंग थ्रू आउट, नेक्स्ट को बोला था बीई, बीई यानी कि ये वाला, सो इससे फ्लोड वाला करंट तो आई टू है, सो करंट फ्रॉम बीई दिस विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आई, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट, सो ये फिर सिंपली हो जाएगा निगेटिव ऑफ 0.28 एम्पियर की, वेन निगेटिव साइन जस्ट इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन। आप पहले आई ई के लिए जो डायरेक्शन है वो ए टू ई होंगी, और इसके लिए फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बी टू ई। उसी तरीके से करंट थ्रो ई एफ, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू आई वन माइनस में आई टू, सो आई वन माइनस आई टू 0.32 माइनस 0.28 कितना बचेगा, 0.04 एम्पियर। सी हो जाएगा करंट थ्रो द ई एफ एंड द डायरेक्शन विल बी ए टू एफ बिकॉज पॉजिटिव। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।